हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय सेकंड लेक्चर इन द सीरीज़ ऑन मेंटरशिप इन प्रिपरेशन फॉर सोशियोलॉजी ऑप्शनल फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहले लेक्चर में हमने बात की थी कि व्हाई सोशियोलॉजी, क्या इसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, व्हाट पॉइंट शुड यू टेक इनटू कंसिडरेशन इफ़ यू डिसाइड फॉर दिस ऑप्शनल। नाउ इन दिस सेकेंड लेक्चर आई विल बी डिस्कसिंग पेपर वन सिलेबस। आप सिलेबस ऑफ पेपर वन, वी विल अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर वन सिलेबस। देर आर 10 चैप्टर्स इन इट। देन वी विल ऑल्सो सी वट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन दिस पेपर वन। वंस यू स्टार्ट प्रिपरेशन, देन यू शुड हैव अ गुड व्यू दैट दिस चैप्टर इज गिविंग मी क्वेश्चंस इन द मेन, सो दैट योर ओरिएंटेशन टूवर्ड्स प्रिपेरिंग ऑफ दैट चैप्टर शुड बी वेरी क्लियर। तो हम थोड़ा सा ये देखेंगे आज पहले, ठीक है। तो आपका जो सोशियोलॉजी का पेपर वन का सिलेबस है, दैट इज़ एक्चुअली डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स। अगर मैं देखूँ तो आप इसको अपने, यू कैन टेक अ कॉपी पेपर एंड पेन ऑल्सो, यू कैन ऑल्सो कीप ऑन राइटिंग, दैट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। सी, आई डिवाइड दिस होल पेपर वन इंटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इज पेपर चैप्टर नंबर 1 to 3 पार्ट। तीन चैप्टर हैं पहले, आई विल डिस्कस द डिटेल ऑल्सो। नाउ दिस व्हाट यू से थ्री चैप्टर्स पर्टेन टू मेथडोलॉजी इन सोशियोलॉजी। You can say what, why and how of sociology. What, why and how of sociology. फिर दूसरा इसका चैप्टर नंबर 4 में इसको डिवाइड करता हूँ। चैप्टर 4 pertains to sociological thinkers. इसमें आपके 6 thinkers हैं सिलेबस में, एंड विद ईच थिंकर द टॉपिक्स आर mentioned कि कौन सा आपको इस थिंकर का कौन कौन सी थ्योरी याद करनी है, प्रिपेयर करनी है। देन थर्ड पार्ट इज फ्रॉम 5 to 10, जिसके अंदर आपके 6 चैप्टर आते हैं पर्टेनिंग टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, लाइक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, देन फैमिली, देन पॉलिटिक्स, देन सोशल चेंज, देन रिलीजन, देन इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। तो 6 चैप्टर हैं आपके ये इस पूरे थर्ड पार्ट में। नाउ व्हाई आई हैव डिवाइडेड दिस इनटू 3 पार्ट्स, ये जब आप प्रिपरेशन करते हैं, देन योर होल मेंटल ओरिएंटेशन चेंजेस। वंस यू प्रिपेयर दिस एंड देन यू स्विच टू दिस, देन यू स्विच टू दिस, सो दैट इज अ सीक्वेंस वी मस्ट फॉलो व्हाइल प्रिपेयरिंग। इट्स नॉट दैट कि आप हैफजर्डली कुछ भी प्रिपेयर कर लेंगे, राइट। क्लास में कर रहे हैं बात अलग है, बट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, घर में बैठ के अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फर्स्ट आपको इसका एडिफिस बनाना जरूरी है। अब देखिए ऐसा है कि अब अगर मैं इस तीनों पार्ट्स को देखूँ, तो आई जस्ट गिव अ ब्रॉड आइडिया कि जो पहले 3 चैप्टर हैं, इसमें से आप लगा लीजिए कि अराउंड 50 to 70 मार्क्स का पेपर हर बार आता है। 50 to 70 मार्क्स का पेपर इसमें हर बार आता है, 50 से 70 नंबर का। मैं आपको एक और लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा जिसमें आई विल गिव यू नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी सेक्शन, एवरी चैप्टर, सो दैट कि आपके पास एक लिस्ट होगी कि हाँ ये चैप्टर मेरे इस तरह से इतने मेरे टोटल क्वेश्चन बनते हैं। सोशियोलॉजी में एक एडवांटेज ये भी है कि आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, और नॉर्मली आपका पेपर मोस्टली उसी में से, उसी तरह से टॉपिक्स में से आता है, है ना। तो 50 से 70 नंबर का पेपर इन फर्स्ट 3 चैप्टर्स में से आएगा, और ये जो थिंकर्स का पार्ट है इसमें अराउंड 70 to 100 मार्क्स का पेपर आता है इसी एक चैप्टर में से। मतलब एवरी ईयर आप लगा लीजिए 5 to 7 क्वेश्चंस की वेरिएशन है, 5 to 7, 5 to 8 भी गए हैं क्वेश्चंस की वेरिएशन है, क्वेश्चन में भी ऑफ 10 मार्क्स और 20 मार्क्स, ठीक है ना। तो इस 5 to 7 क्वेश्चंस की एक सिंगल चैप्टर में से है, मतलब अराउंड 100 मार्क्स का पेपर आप अगर आप ऑन द होल देखेंगे तो 100 मार्क्स का पेपर इसमें से, आउट ऑफ 250, टोटल 250 का पेपर है ये, तो आपका 100 मार्क्स का पेपर इसी में से आ जाता है। रफली दैट अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ योर पेपर, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों चैप्टर्स को भी ले लो, तो 150 to 170 मार्क्स का पेपर इन दोनों में से आता है। दैट अकाउंट्स फॉर अराउंड यू से 60 to 70% ऑफ योर पेपर ऑफ वन, ठीक है ना। उसके बाद ही जो बाकी आपका जो बचा है स्ट्रेटिफिकेशन, फैमिली, रिलीजन, ये सारा में से आपका बाकी जो बचा हुआ है आपका अराउंड 100 मार्क्स का पेपर इसमें से आएगा, है ना, अराउंड 80 to 100 मार्क्स का पेपर इसमें से आएगा। लेकिन खास ध्यान देने वाली बात है कि इस जो चैप्टर्स आप मैं ये 6 चैप्टर्स मैंने लिंक किए हैं, इनमें भी कुछ क्वेश्चन इस थिंकर से आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेटिफिकेशन है, फॉर एग्जाम्पल यू आर आस्क्ड क्वेश्चन ऑन मार्क्स थ्योरी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, तो वो हम यहाँ पे करते हैं। अगर रिलीजन का जैसे चैप्टर है, अगर आपसे पूछ लिया कि व्हाट आर ड्रुकिम्स व्यूज ऑन रिलीजन इन सेक्शन बी ऑफ योर पेपर, देन इट एक्चुअली फॉर्म्स पार्ट ऑफ थिंकर्स आल्सो, क्योंकि यहीं पे थ्योरी करते हैं वो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे सोशल चेंज का चैप्टर है,
सोशल चेंज के अंदर भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, पार्सन्स थ्योरी ऑफ सोशल चेंज वो हम इधर ही करते हैं, मार्क्स थ्योरी ऑफ चेंज वो भी हम यहाँ करते हैं. तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इन दिस सेक्शन ऑल्सो समटाइम्स आर आस्क्ड विच एक्चुअली पर्टेन टू थिंकर ओनली. ये मैं आपको, अगर आप मेरे लेक्चर सुनो प्रीवियस ईयर डिस्कशन के, देर इज अ सेपरेट सेक्शन ऑन प्रीवियस ईयर डिस्कशन पेपर्स. मैंने सारे पिछले 10 साल के 8 साल के पेपर डिस्कस किए हुए हैं, तो उसमें बड़ा क्लियरली आपको पता लगता है कि देखो कैसे ये थिंकर के क्वेश्चन डिफरेंट अदर सेक्शंस में भी आ रहे हैं. तो ये बेसिकली दिस इज द क्लासिफिकेशन विच इज. तो अब अगर मैं देखूँ कि वट आर द, अब है ना, अगर हम डिटेल में देखें थोड़ा, देखिए इधर ये देखिए, दिस इज द पेपर वन फर्स्ट थ्री चैप्टर्स. तीन चैप्टर्स में पहला चैप्टर है सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन, देन सोशियोलॉजी एज अ साइंस एंड रिसर्च मेथड्स एंड एनालिसिस. ये फर्स्ट थ्री चैप्टर्स का सिलेबस है. एंड सेकेंडली थिंकर्स, ये देखिए 6 थिंकर्स हैं इसके अंदर, मार्क्स, ड्रोकिम, वेबर, पार्सन्स, मर्टन एंड मीड, राइट. ये आपके 6 थिंकर्स इस सिलेबस में हैं. एंड थर्ड इज, ये आपका रेस्ट 6 चैप्टर स्टार्ट हो गया. पहला चैप्टर आपका स्ट्रेटिफिकेशन एंड सोशल मोबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें से हर बार एक आधा क्वेश्चन आता ही आता है, 2 क्वेश्चन. सेकंड इज वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, कभी आता है कभी नहीं आता, जरूरी नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन आपको करना ही है, लेकिन करेंगे हम भी, तैयार तो करेंगे ही, बट लेकिन नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी एंड रिलीजन एंड सोसाइटी, ये 2 चैप्टर्स हैं, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर जो ये आपका पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी है, इसमें से डेफिनेटली 2 या 3 क्वेश्चन हर बार आते हैं, है ना. और रिलीजन एंड सोसाइटी में जो हमेशा क्वेश्चन इसमें से भी आता ही है, लेकिन ऑन ईजियर साइड, ये कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है बिल्कुल. एंड थर्ड इज आपका लेक्स्ट सिस्टम ऑफ किनशिप, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, 2 to 3 questions आर ऑलवेज आस्क्ड ऑन दिस टॉपिक. एंड सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी, इसमें अगेन क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. तो 100 मार्क्स का रफली 6 चैप्टर्स हैं, उसमें से पेपर आता है. लेकिन अगर मैं आप मेरे से पूछें कि वट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, कि जो जिस पे आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत है, या जिसमें अगर आपके पास वक्त है तो यू कैन ऑलवेज मूव अ स्टेप अहेड, डिग लिटिल बिट डीपर टू गेट मोर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, कि जहाँ पे आपको क्रॉस रेफरेंसेस देने हैं और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, तो आप लिख लीजिए उसको. आई विल टेल यू कि ये जो 6 चैप्टर्स हैं, 10 में से 6 चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ जो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है ना. तो पहला तो देखिए, जो आपके फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं, ये 3 चैप्टर्स आपने करने हैं, सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन, देन सोशियोलॉजी ए साइंस एंड रिसर्च मेथड्स. ये क्या है कि स्टैटिक, तीनों टॉपिक स्टैटिक हैं बिल्कुल, इसमें कुछ भी नहीं है. आपने एक बार तैयार कर दिया अच्छे से थोड़ा डिग डीप कर लिया, तो कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ना आता हो. यू कैन ऑलवेज डू इट. ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि पक्के नंबर आएंगे तीनों. सेकेंड इज आपका थिंकर्स का चैप्टर है, 4th चैप्टर आपका थिंकर्स का है, ये 2, 3 और ये 4. थिंकर्स में आपको पूरा जान लगानी है, 6 थिंकर्स में, ठीक है ना. डिग डीपर का मतलब क्या है इसमें, यू कैन ऑलवेज इंक्रीज योर कवरेज ऑफ थिंकर, की सारे अच्छे से थ्योरीज का एक एक पार्ट आपको अच्छे से करना है. देन यू कैन इंक्लूड एग्जाम्पल्स फ्रॉम करंट अफेयर्स इन योर थिंकर्स. इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है आप थिंक अपने आंसर्स में डाल सकते हैं, विच विल फेच यू मोर मार्क्स, ठीक है. और बहुत अच्छे इसमें डायग्राम्स भी आप यूज़ कर सकते हैं वेर एवर एप्लीकेबल. तो जहाँ पे अगर आपको ज़्यादा काम करना है अल्टीमेटली, तो यू आप थिंकर में एक ऐसा एरिया जहाँ पे इस तरह का काम कर सकते हो. तो 4 चैप्टर ये हो गए. इसके अलावा 2 चैप्टर मैं आपको और रेफर करूँगा जो आपको पक्के अच्छे से करने हैं. पहला चैप्टर है आपका स्ट्रेटिफिकेशन वाला, चैप्टर नंबर फाइव आपका सिलेबस का है, स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी. ये चैप्टर आपने अच्छे से कर लेना है, क्योंकि ये चैप्टर बेस बनता है आपका पेपर 2 का भी. पेपर 2 में कास्ट सिस्टम है, क्लास इन इंडिया है, तो उसका बेस यहाँ पे बनता है. और बाकी और भी कई चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस के जहाँ पे इनका बेस बनता है, जैसे आप जेंडर करते हो, एथनिसिटी करते हो, तो सारा टाइप्स ऑफ डायमेंशंस ऑफ सर्टिफिकेशन में आता है ये. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दिस चैप्टर, ठीक है. और इसमें फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी इसमें आप देखेंगे कि इसमें 3-4 क्वेश्चन इसमें से हर बार पूछ ही लेते हैं घूम फिर के, राइट. तो एक इवन टिपिकल साल ऐसा भी रहा है 7 क्वेश्चन पूछे गए एक चैप्टर में से, तो हार्डली मैटर्स. वो एक्चुअली थिंकर्स में से भी हैं, इसमें से भी हैं, तो इस हार्ड टू समटाइम्स कैटेगराइज. तो इसके अलावा अगर मुझे एक और चैप्टर चूज करना है जो जिसमें मैं डीप में जाऊँगा, पढ़ना मेरे को सारे हैं, हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मुझे डीप में जाना है तो मैं सोशल चेंज वाला चैप्टर उठाऊंगा आपका. थोड़ा सोशल चेंज को पेपर 1 में डेप्थ पॉइंट ऑफ व्यू से करने में कोई नुकसान नहीं है, पेपर तो आता ही आता है. अगर आप ये 6 चैप्टर कर लेते हो जो मेरे कहे अकॉर्डिंग ये,
तो आपका पूरा पेपर वन खत्म है। पेपर वन में आपका ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई और मतलब 99.9% आप पूरा पेपर वन जो स्लिप एग्जाम का है वो 6 चैप्टर से करके आ जाओगे। करेंगे बाकी भी 4 चैप्टर जो बचे हैं छोड़ेंगे नहीं उसको, लेकिन बात बस वही डिगिंग डीपर की है कि कितना आप ज़्यादा डीप में जाना चाहते हैं। जैसे पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी है, अब आप डीप में जाने लग जाएं इसका कोई एंड नहीं है। तो मैं कहूँगा ठीक है, स्टिक टू द सिलेबस, उतना ही करो जितना इट इज़ रिक्वायर्ड, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे दिए हुए कंसेप्ट दिए हुए हैं नेशन स्टेट सिविल सोसाइटी। अब अगर डीप में जाने लग जाएं तो अपने आप में नेशन का पूरा सब्जेक्ट है, स्टेट का सब्जेक्ट है, जबकि आता नहीं है क्वेश्चन, बट समटाइम्स यू आर पोल्ड इन टू इट। आपको लगने लग जाता है कि यार स्टेट की थ्योरीज भी कर लूँ मैं ये भी कर लूँ मैं वो भी कर लूँ, देन यू फॉल इन टू अ ट्रैप, है ना। तो और वो अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम हो जाती है, क्योंकि हमें बताया एज अ टीचर कि यार अगर नहीं आता, अगर आ भी गया छुटका पुटका एक क्वेश्चन आएगा, दैट कैन ऑलवेज बी लेफ्ट चॉइस इज देयर, अदरवाइज अगर मैं टाइम इन्वेस्ट करने लगूँ इस पे देन इट विल टेक माई लॉट ऑफ टाइम। जबकि मेरे लिए ऑप्शनल इंपॉर्टेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम GS में भी मुझे टाइम लगाना है, 1000+ मार्क्स की GS ही है, तो जनरल स्टडीज़ में मुझे टाइम लगाना है। तो अगर मैं इधर ज़्यादा अनप्रोडक्टिव एरियाज में मैं डीप में जाऊँगा, दैट विल वेस्ट माई लॉट ऑफ टाइम। तो ये 6 चैप्टर्स मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो आप तैयारी करिए। And please let me know if you face any problem. There is a comment section in the YouTube. You can always post your question here. I will be more than happy to answer. Right? And if you want to personally interact me on WhatsApp for any problem in sociology, तो आप ये number note कर लें। इस number पे आप WhatsApp message कर सकते हैं। Don't call on this number. Just आप WhatsApp पे message कीजिए। इसका WhatsApp messaging मेरे पास है, but not phone. Call मैं मेरे पास नहीं आता इसका। तो आप इस पे मैसेज करके मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं इन केस यू फेस एनी प्रॉब्लम इन दी इन दिस सोशियोलॉजी ऑप्शनल। राइट, सो हैप्पी प्रिपेयरिंग, थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।